देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। आस्था, कमलनाथ सरकार में अंधकार में बच्चों का भविष्य। सरकारी स्कूल के बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ने को मजबूर। ऐसा पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। 4 माह से आंगनवाड़ी में पढ़ने को मजबूर सरकारी स्कूल के बच्चे। इंडिया महिलाओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, सुनाई पीड़ा। प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है। शिक्षा विभाग भी सरकारी स्कूलों के भवनों को बनवाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन सीहोर जिले की आष्टा तहसील के गुराड़िया कला गांव के प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के जर्जर भवन को देखकर सरकार व शिक्षा विभाग के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जर्जर भवन, मात्र 19 बच्चे, शिक्षक 3 दिनों से लापता। स्कूल का भवन पूरी तरह कंडम हो चुका है, फिर भी बच्चे इन्हीं कंडम कमरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों के माता पिता ने हादसे के डर से प्राइवेट स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वहीं अब मात्र 19 छात्र बचे हैं प्राथमिक विद्यालय में, जो अब आंगनवाड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए ग्रामीण महिला आष्टा तहसील कार्यालय पहुंची और तहसीलदार रवि वर्मा को ज्ञापन सौंपा और अपनी पीड़ा सुनाकर स्कूल भवन को बनवाने की मांग की। वहीं ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि कभी भी स्कूल की इमारत गिर सकती है। जर्जर भवन हादसे को न्योता दे रहा है, जिससे ग्रामीणों में सरकार व शिक्षा विभाग के प्रति भारी रोष है। वहीं स्कूल के कमरों की छत गिरने का खतरा। बंद मिला स्कूल, ताला लगा, बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ने को मजबूर। किस तरह सरकार और शिक्षा विभाग की अनदेखी के कारण स्कूल का भवन अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जब स्कूल की वास्तविक हकीकत देखने हम ग्राम गुराड़िया कला पहुंचे तो और भी दंग रह गए। जब स्कूल भवन में ताला लगा हुआ था और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ रहे थे, वहीं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक लापता थे। जानकारी निकालने पर पता चला कि शिक्षक 3 दिनों से बच्चों को पढ़ाने नहीं आए। जब कारण पूछा गया तो शिक्षक की तबीयत खराब बताई गई। वहीं विकल्प के रूप में 3 दिनों से कोई शिक्षक नहीं होने से स्कूल के बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पढ़ा रही थी। वहीं स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा था, चारों तरफ से शौचालय के दरवाजे गायब थे। इसका कारण यह है सर कि मेरे गांव में स्कूल में बहुत दिक्कत आ रही है। पीछे से स्कूल पूरा खंडर हो गया है, उसका छत झुक गया है, बच्चा बच्ची उसमें मैं पढ़ा नहीं सकता सर। लोग, मैं रसोईया हूँ, बच्चा बच्ची के खाना खिलाती हूँ, तो स्कूल के सामने रोड पे है, उस पर खाना खिलाती हूँ बैठ के। और सर लोग भी डर के हमारे उसको बाउंड्री में पढ़ाता है। अभी 6 माह से मैं आंगनबाड़ी भवन में बच्चा बच्ची की स्कूल लगा रही हूँ, उसके कारण गांव के लोगों अधिकतर करी के मजबूरी में पिरावट में बच्चा बच्ची स्कूल पहुँचा रहा है, तो हम लोग मजदूरी कर पाए कि बच्चा बच्ची का पिरावट पढ़ा सके, ये काम हमसे नहीं हो रहा है। तो हमारी मांग है कि हमारे गांव के स्कूल भवन अच्छा से तैयारी की शुरुआत करें। और हम बेटा, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5वीं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम गुराड़िया कला। अच्छा, तो हम तो देख रहे हैं कि आज आप आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं, गिजक क्या कारण है? स्कूल टूट गई है तो इतनी 3 दिन से यहाँ पढ़ा रहे थे सर, और सर बीमार हो गए। सर बीमार है आपके? नींद नहीं आ रहा सर, यहाँ पे बीमार है। तो स्कूल में ताल लगा आपका, है ना? तो कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में टोटल पूरे? 19। 19 बच्चे हैं। कहाँ पढ़ने जाते हैं सभी 19 बच्चे? नहीं, यहाँ आंगनवाड़ी में पढ़ने आते हैं। सर, गुराड़िया कला के एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय जिसकी कल ग्रामीण महिलाओं ने शिकायत की कि वो स्कूल भवन बिल्कुल जर्जर हो रहा है और वहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है कि भवन की छत नीचे टपकती है, इसमें कोई दुर्घटना होने की संभावना है। इस मामले को लेकर आपने क्या किया है? वहाँ पर जो है भवन जो क्षतिग्रस्त है उसके लिए BRC के द्वारा सब लिखा पढ़ी कर दी गई है और बच्चों की अभी वर्तमान में व्यवस्था आंगनबाड़ी। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर? वहाँ पर 19 बच्चे हैं। कौन कौन सी क्लास में कौन कौन से बच्चे? पहली क्लास में 4 बच्चे हैं, दूसरी में 3 बच्चे हैं, तीसरी में 6 हैं, चौथी में 4 हैं और पांचवी में 2 हैं। सर, उस हमने ग्राउंड पे पता किया है कि उस भवन में ताला लगा हुआ है, तो उसके बच्चे भी आंगनबाड़ी पढ़े जा रहे हैं? किसके? स्कूल के। हाँ, आंगनबाड़ी में ही बैठते हैं, आंगनबाड़ी में ही बैठ रहे हैं अभी। जानकारी यही मिल रही है कि वहाँ पे शिक्षक भी नहीं है, 3 दिनों से लापता है। हाँ, उसकी जानकारी मिली है। कल तो उसने रिपोर्टिंग की थी बीमारी की,
सब स्वास्थ्य खराब होने की। आज अभी जन शिक्षक को निर्देश तो किया। विकल्प के रूप में आपने कोई शिक्षक दिया था पढ़ाने के बच्चों को? नहीं, आंगनबाड़ी को ही बोला था कल तो जन शिक्षक ने। आज की अभी व्यवस्था देखते हैं। भवन जर्जर है, इसके लिए कोई पत्र जारी किया आपने भवन बनवाने के लिए? हाँ, ये पत्र भेज दिया है नवम्बर के महीने में, और योजना में इस बार सम्मिलित हो जाएगा तो अगले साल भवन निर्माण हो जाएगा। सर थोड़ा ये समझना चाह रहे थे कि वहाँ पर जो भी ड्यूटी शिक्षक थे वो लापता हैं, और उन्होंने अपने तरीके से ही वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र जो सहायिका है उनको अपॉइंट कर दिया कि आप पढ़ाइए। क्या इस तरह जानकारी आपको है या उनको अधिकार है इस तरह का कि आपको जानकारी ना दें? ये सीधी सीधी व्यवस्था है? नहीं नहीं, ऐसा अधिकार नहीं है। उन्हें संकुल प्राचार्य को सूचना देना चाहिए या जन शिक्षक को सूचना देना चाहिए, सूचना देखे। और तात्कालिक व्यवस्था तो जैसे ठीक है, बच्चे आंगनबाड़ी में बैठे हैं तब तक शिक्षक को भी भेजना चाहिए, उन्हें दूसरे शिक्षक को भेजना। कहीं ना कहीं वो दोषी हैं। हाँ, वो उनकी लापरवाही तो है थोड़ी, इसके लिए आप उनको सौगात नोटिस देंगे? बिल्कुल, उनके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। जानकारी मिल रही है कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब है उनको मानसिक रूप? अब ये तो देखना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।